तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी का एमए, एमकॉम, एमएससी, या तो वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भरना है तो वो कैसे भर सकते हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आज स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही जिन स्टूडेंट के लॉगिन के टाइम में रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका समाधान क्या हो सकता है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी का एमए, एमकॉम, एमएससी फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में या पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ, तो अब आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना होगा MLSU, ठीक है। ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे, तो अब आपको सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लिंक है, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, तो आपके सामने मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे स्टूडेंट कॉर्नर पर आप क्लिक कर लेंगे, तो उसके बाद में आपके सामने यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, ज्वाइन एमएलएससी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन, इसके नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला सीरियल नंबर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, तो आपके सामने मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब फाइनल ईयर एमए, एमकॉम, एमएससी का फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर एनुअल ऑब्लिक डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आपके सामने विभिन्न लिंकेज है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप एमए, एमकॉम, एमएससी के रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप प्राइवेट स्टूडेंट है फाइनल ईयर के एमए, एमकॉम के, तो आपको फोर्थ वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट के एम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है प्राइवेट का, तो आपको लास्ट वाली जो लिंक है, यानी कि आपको परसेंटेज बढ़ाने हैं, आपको लास्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है और एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरना है, तो आपको थर्ड वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप एक्स स्टूडेंट है, तो आपको सेकंड वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो प्राइवेट स्टूडेंट है एमए, एमकॉम के, तो दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो सेम ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राइवेट स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फोर्थ वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फोर्थ वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आपके सामने आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने खोलकर ओपन हो जाते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है उसे उसको आपको यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, मान लीजिए कि आपको एमकॉम अकाउंटेंसी एंड स्टेटिक्स का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो दोस्तों इन सभी की जो फाइनल ईयर के एमए, एमकॉम, एमएससी के जो फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25/11/2024 है। 16 से लेकर के 25 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद में जो हार्ड कॉपी है वो संबंधित महाविद्यालय में आप 29/11/2024 तक जमा करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको, अब मान लीजिए कि आपको एमए हिस्ट्री का फॉर्म भरना है, तो उसके आगे जो कलीग ईयर और एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक हियर एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं, तो आपके सामने लॉग इन विथ रोल नंबर, तो दोस्तों जिन स्टूडेंट के रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मान लीजिए कि आपको क्लिक हियर रोल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब एंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर आपको एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस ईयर के एग्जाम रोल नंबर फिलअप कर लेने हैं। जैसे फिलअप कर लेंगे रोल नंबर और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे, तो आपका एग्जाम फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, जिनका एग्जाम फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड की समस्या आ रही है, तो उनका जो 100% सॉल्यूशन है वो आपको एमएलएसयू हेल्प डेस्क पर आपको मेल करना होगा।
जिसका वेट आपको 24 घंटे का करना है। यदि 24 घंटे के बाद भी मेल नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन बोर्ड में जाना होगा। वहीं जाने पर आपका 100% सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका एग्जाम फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है उसका 100% सॉल्यूशन आपको मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की जो उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर एग्जाम बोर्ड में जाना होगा और वहीं से आपका एग्जाम फॉर्म ओपन हो सकता है। तो दोस्तों इसका 100% सॉल्यूशन यही है। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम फॉर्म ओपन हो रहा है तो उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ये मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेनी है, ठीक है, पहले, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर की। अब मान लीजिए कि आपके पास प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप रिजल्ट कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के मार्क्स अपडेट करने हैं और मार्क्स अपडेट के साथ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के मार्क्स अपडेट और दसवीं के मार्क्स अपडेट और एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस ईयर के मार्क्स अपडेट कर लेने। और मार्क्स अपडेट करने के बाद आपको अपडेट करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। यदि आपका एड्रेस सही है तो आपको नेक्स्ट अपडेट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और उसके साथ में एमए प्रीवियस का या एमकॉम या एमएससी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होती है। जैसे अब मान लीजिए कि आपने चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, उसके बाद में आपको यदि आपको फोटो या सिग्नेचर में किसी भी प्रकार का अपडेट करना है यानी कि संशोधन करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे अपडेट पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने भाग को सिलेक्ट कर लेना है एमए में, ठीक है, एमए में आपको भाग सिलेक्ट करना होता है। यदि आप एमकॉम है तो आपके भी जो सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। एमएससी जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपना लास्ट ईयर जो प्रीव्यू है आपकी डिटेल्स है उसको चेक करके आपको कैलकुलेट फीस पर आपको क्लिक करना होगा और पे नाउ पर क्लिक करके आप क्यूआर कोड स्कैनर करके या फोन पे यूपीआईडी से पेमेंट करके आप अपना फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह अपना फाइनल ईयर का एमए, एमएससी, एमकॉम का फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।